मैं हूँ उज़मा, आप देख रहे हैं किचन विद उज़मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल गोश्त। और चने की दाल गोश्त के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मैंने ये चने की दाल भिगो के, ये देखें कि चने की दाल भिगो के रख दी थी मैंने, और इसमें मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी। ये आधा किलो गोश्त है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चमचे, ये एक प्याज है, 1 चमचा नमक और 1/4 चमचा हल्दी, 1 चमचा लाल मिर्चें और 1 से 1.5 चमचा धनिया पिसा हुआ। ये सब चीज़ें खाने में जाएंगी। तो चलिए अब मैं ये सबसे पहले मैं दाल बॉईल करने रख रही हूँ। दाल बॉईल करने में मैं ये अदरक इसलिए डालती हूँ टुकड़े करके कि ये निकल जाती है बाद में, तो इसलिए डालती हूँ कि ये ज़रा चने की दाल होती है तो ज़रा पेट में कोई ख़राबी नहीं होती। अदरक डाल के बॉईल कर लें। ये देखें मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, तो ये लीजिए, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये 3 चमचे मैंने ऑयल डाले। अब ऑयल गरम होने तक मैं इसमें प्याज लाल करूँगी, क्यों प्याज लाल मैं इसलिए करूँगी कि मुझे प्याज लाल करके निकालनी है। ये देखिए मैं प्याज लाल करके मुझे निकाल दी। ये देखिए थोड़ी सी प्याज ली है मैंने, 1 प्याज है। आप जब ये लाल हो जाएगी तो मैं इसको निकालूंगी। ये प्याज का जो फ्लेवर होता है लाल प्याज का पीस के, बड़ा अच्छा आता है फ्लेवर चने की दाल गोश्त में। प्याज ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी सी और हो जाएगी तो मैं इसको निकाल दूँगी। फिर मैं इसका आगे का बताऊंगी आपको कि ये इस प्याज ब्राउन को हमने क्या करना है। पहले मैं इसमें प्याज निकाल के गोश्त चढ़ा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हो गई है, बस इतनी ही प्याज लाल करनी है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, ये बस ये हल्की हल्की सी रेड करनी है। ये देखिए मैंने प्याज लाल करके ना तो मैंने निकाल लिए। ये देखिए प्याज लाल करिए, थोड़ी सी प्याज थी इसको लाल करके मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो आधी प्याज और कटी हुई रखी थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना। ये देखिए ये मैंने डाल दी प्याज, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर ये हल्का सा बस एक पकने वाले स्टाइल में आ जाए फिर बस। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त। ये मैंने गोश्त डाल दिया। ये देखिए मैंने ये गोश्त डाल दिया। गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए चेंज हो गया कलर। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा मिर्चा चलाऊंगी, ये थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर ले। अच्छा मैंने दूसरी तरफ ये चने की दाल बॉईल करने रखी है तो मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी। ये मैंने, ये देखें थोड़ा सा नमक मैंने इसमें भी डालना है ताकि दाल गले, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देख थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा पक गया। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, बस ये डाल के
अब मैं इसको थोड़ा सा भून, इसमें कुछ नहीं जाता, टमाटर वगैरह इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, बस यही चीज़ें इसमें जाती हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसको, बस ये ज़रा सा पानी डालूँगी, बाद में इसको मैं गलाने के लिए पानी डालूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसका कर रही हूँ, जब तक आप इस तरफ आ जाइए। जो प्याज मैंने निकाली थी, ये जो रेड प्याज निकाली थी, इसके लिए मैं प्याज में, ये देखें ये प्याज में थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, ये देखें, ये तकरीबन 1/4 ज़ीरा और 8-10 काली मिर्चें और ये एक दालचीनी का टुकड़ा और ये 3-4 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची, ये इसमें प्याज में इस साथ पिसेगा प्याज के, ठीक है। ये देखें ये गोश्त पक रहा है अभी इस तरफ, ये देखें ये थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला था, मैंने कहा चले गोश्त का थोड़ा सा रंग निकल के आ जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा जो पानी डाला था वो बस इसलिए डाला कि थोड़ा सा इसकी शक्ल चेंज हो जाए, यानी कि इसका जो कलर है वो अच्छा आ जाए, पता चल जाए कि कैसा कलर आया। अब देखें कितना खूबसूरत कलर आया, रेड कलर बहुत प्यारा है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, गोश्त गलने तक मैं इसमें पानी डालूँगी, ये 2 गिलास पानी है, मैं इसमें 1 गिलास ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए अब ये गोश्त गलने तक मैं इसको पकाऊँगी, ठीक है। चलिए मैंने गोश्त गलने तक इसके लिए रख दिया, जब देखूँगी दूसरी तरफ आ जाइए। ये जो प्याज और जो मैंने ये सारा गरम मसाला लिया था, सब चीज़ें ली थी, ये मैं ग्राइंड कर लूँगी, पीस के पीस लूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें बस पीसना है, ये मैंने इसको पीस लिया। अब ये देखें इतना ही ठीक होना चाहिए, जी हाँ ये इतना ही थिक होना चाहिए जितना ही मैंने पीसा है। थिक हो या पतला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, अगर पतला भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर गाढ़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना ये सालन में ही है, ठीक है। तो ये मैंने पीस लिया, ये हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लूँगी, ठीक है। ये हरी मिर्चें भी जब दाल बॉयल हो जाएगी ना फिर मैं आपको सारा बताऊँगी कि ये हरी मिर्चें किस टाइम डालनी है। ये देखिए ये बारीक बारीक मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ, इतनी छोटी छोटी आजकल हरी मिर्चें आ रही हैं, बहुत तेज़ हैं। ये देखिए हरी मिर्चें मैंने धो के रख ली थी और मैंने इसको काट लिया। ये पुदीना है, ये पुदीना भी इसी में ऐड होगा, ये देखिए ये पुदीना भी मैं बारीक बारीक काटूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पुदीना मैंने बारीक बारीक काट लेना, ये देखिए ये पुदीना और हरी मिर्चें और प्याज ये एक साथ ऐड होगा, आगे जाके आपको पता चल जाएगा ये किस मकसद के लिए काटा गया है, ठीक है। अब ये ज़रा तो फेंकना पानी, हाँ लो मुझे दे दो कटोरी। ये अब ये जो है ना ये मैंने रख लिया है, ज़रा ये दाल बॉयल हो रही है तो इसमें से जो ये निकलता है ना झाग सा, इसको निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये ज़रा निकाल लेती। मैंने ज़रा धीमी आंच पे रखी हुई थी कि ये गिरे ना, क्योंकि ये गिरता है ना तो ये बड़ा गंद करता है, तो इसलिए ये मैंने धीमी आंच पे रखी थी दाल, ठीक है। मैं जो इस कर रही हूँ
दूसरी तरफ आ जाइए इधर, ये गोश्त में, ये देखिए गोश्त में उबाल आ रहा है। अब मैं ये गलने तक गोश्त पकाऊंगी, जब ये गलेगा तो फिर इसके आगे का जो भी है कि ये प्याज कब डलेगी और पुदीना और हरी मिर्चें कब डलेंगी, ये गोश्त गलने के बाद का सारा प्रोसेस है। ठीक है जी, चलें गोश्त गलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें ये देखें गोश्त, मैंने आपसे कहा था कि गोश्त गलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो मैं वापस आ चुकी हूँ और गोश्त जो है वो गल गया। गोश्त असल में ये मैं गोश्त गलने में आधा घंटा लगा है, अगर मैं कुकर में बनाती तो आधा घंटा नहीं लगता, 15 मिनट में गोश्त गल जाता। तो असल में मैं धीमी आँच पे गलाती हूँ गोश्त को, तो गोश्त मेरा गल चुका है। ठीक है, अब ये गोश्त गलने के बाद का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये गोश्त भुन रहा है, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से गोश्त भुन गया है। दूसरी तरफ मेरी दाल भी गल चुकी है, ये देखिए, ये देखिए ये अच्छे से दाल बिल्कुल बिल्कुल गल चुकी है। ठीक है, अब मैं ये गोश्त की तरफ आ जाती हूँ। ये गोश्त बिल्कुल भुन गया है, इसमें कोई स्मेल नहीं है अदरक लहसुन की भी, किसी चीज़ की भी, जो हमने प्याज डाली थी सब चीज़ें, ये देखें ये मसाला तैयार हो चुका है। ठीक है, ये अब मैं ज़रा सा पानी डालूँगी कि ये गोश्त लग ना जाए। सिर्फ पानी इसलिए डाला है कि गोश्त लगे ना, क्योंकि मुझे दूसरा दाल का सारा प्रोसेस करना है। अब दूसरी तरफ ये जो दाल थी, इस दाल को मैं, ये बिल्कुल गल चुकी है, ये देखें ये दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें से जो ये अदरक के पीसेस हैं ना, इनको मैं निकाल लूँगी, जो मैंने पीस करके डाले थे अदरक के, इनको मुझे निकालना है। ये देखिए तुबा, वहाँ से मुझे प्याली दो ताकि ये अदरक के पीसेस निकाल लूँ। हाँ ये डाल दो इसमें, ये देखिए ये अदरक के पीस निकाल लिए मैंने। सिर्फ अदरक के पीस डालने का मकसद ये होता है कि दाल जो है वो पेट में गड़बड़ ना करे, थोड़ा सा ये अदरक से इसका बाद ही ख़त्म हो जाता है दाल का। अमूमन लोगों को शिकायत हो जाती है कि चने की दाल गोश्त खाओ तो पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को शिकायत ही हो जाती है, तो इस वजह से मैं ये अदरक का, ये देखिए 4 पीस मैंने डाले थे अदरक के, ये निकाल चुकी हूँ मैं। अब मैंने इसमें सिर्फ ये जो मैंने अभी पुदीना और मिर्चें काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ये डालूँगी जो मैंने प्याज और गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें मैंने पीस ली थी, अब ये दोनों चीज़ें मैं, प्याज गरम मसाला मैंने आगे आपको बताया था पीस लिया था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इससे इतनी मज़ेदार खुशबू आती है, बहुत मज़े की खुशबू आती है। इसको आप नान के साथ खाएं, चावल बॉईल करके खाएं, सुबह पराठे के साथ लें, बहुत मज़ेदार खुशबू आती है इसकी। ये देखें आप, ये देखें ये सारा मिक्स मैंने कर लिया। अब इसको मैंने दाल को थोड़ा सा फेंट लेना है, थोड़ा सा मैंने दाल को फेंट लेना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मैं इसको ज़रा मैश इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ी सी दाल खड़ी खड़ी रहे और थोड़ी सी दाल जो है वो मैट हो जाए, बिल्कुल मैश हो जाए। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं करती जा रही हूँ इस, ये देखें आप, देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखें बहुत मज़ेदार ये चने की दाल गोश्त तैयार होता है। इसको नान के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ और चावलों के साथ, बहुत मज़ा देती है ये दाल। साथ इसके मिर्चें फ्राई करें, सलाद बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। अब मैं ये इसमें डालूँगी, ये देखिए ये मेरा, ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया,
ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की चने की दाल गोश्त रेडी है। और अब मुझे इसमें पानी डालना है, तो तूबा मुझे पानी देगी। चले तूबा मुझे पानी दो। ये देखो इसका कलर देंगे कितना खूबसूरत आया है। अगर प्याज काली हो जाती तो इसका कलर जो है ना वो ब्लैक ब्लैक सा आ जाता। तो प्याज को काला नहीं करना, क्योंकि प्याज सिर्फ हमने टेस्ट के लिए यूज़ करनी है। तो आप प्याज को काला नहीं करेंगे। मैंने तूबा पानी ले आई है, ये पानी मैं उसी पतीली में डाल रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना मज़ेदार सा कलर आया है। कलर में भी कोई ऐसी बात नहीं है, बस वही आपने तवज्जो देनी है कि प्याज काली नहीं करनी। अगर प्याज काली करेंगी तो चने की दाल गोश्त का कलर ना रेड आएगा ना येलो आएगा, अगर आएगा तो वो ब्लैक ब्लैक सा आ जाएगा और टेस्ट भी मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि गरम मसाला ऑलरेडी ब्लैक हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है गरम मसाला ब्लैक होता है तो वो भी होगा, फिर प्याज भी ब्लैक हो जाएगी, तो फिर कलर जो है वो ब्लैक आ जाएगा दाल का। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। अब जितना भी आप चाहें इसमें पानी कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज की कटोरी में मैंने पानी डाला है, इसको खंगाला है। ये देखिए जो प्याज पिसी हुई थी और बाकी ये मैंने इसमें डाला। ये देखिए, ये हमारी दाल चने की दाल गोश्त बिल्कुल, अभी इसमें दो बॉयल आएंगे और चने की दाल गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बनाइए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो बॉयल आते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए ये इसमें बॉयल आ चुका है। ये देखिए मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए थी, मैंने इतनी ही गाढ़ी रखी है। आप चाहें तो इसको पतला कर लें, गाढ़ा कर लें। दाल एक पाव थी, गोश्त आधा किलो था। मैं दाल का आपको बताना भूल गई थी कि दाल कितनी थी, तो दाल एक पाव थी। ठीक है, अब जितना चाहे आप इसको गाढ़ा करें पतला करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए थी तो मैं आने आपको इतनी ही गाढ़ी दिखाई। ठीक है, चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ आपको। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतनी मज़ेदार खुशबू आती है ना इसमें से कि बस दिल चाहता है मैं आपको चक्के भी बताऊंगी। बहुत मज़ेदार खुशबूएं आ रही हैं, पूरे घर में खुशबूएं उड़ रही हैं, और जो लोग नहीं भी खाते होंगे वो भी खाने लगते हैं कि इतनी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, अगर इसमें खुशबू जाती होती ना मैं तो आपको ज़रूर खुशबू भी बताती हूँ कितनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आई है। तो चलिए मैं आपको चख के बताती हूँ कि कैसी बनी, और तूबा को भी चखवाऊँगी कि कैसी बनी। ये देखिए सब कुछ बराबर है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। तूबा ने मना कर दिया कि मैं नहीं चखूँगी, मैं एक ही दफ़ा खाऊँगी, इसलिए तूबा को नहीं चखाया, तो वो खाने के साथ ही खाएगी। तो चलिए चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।